कहावत सुनी है, कौआ कान ले गया। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति ने एक अफवाह उड़ाई और सब उसे फॉलो करने लगे। किसी ने पता लगाने की कोशिश नहीं करी कि सचमुच कौआ कान लेकर भी गया है कि नहीं, कि यूं ही कान की दौड़ाई चल रही है। ऐसे ही प्रभु वर्तमान परिदृश्य में, चाहे नागरिकता संबंधी कानून की चर्चा हो अथवा बहुत सारे मैटर, बहुत सारे विषय जिन पर हम ये पता लगाने की कोशिश ही नहीं करते कि आखिर इसके पीछे सही बात क्या है, सही रहस्य क्या है, अथवा अपने मोक्ष मार्ग में जीवन के बहुत से प्रसंगों में हम विषय के तह तक पहुँचते ही नहीं हैं, मात्र ऊपरी ऊपरी बातों पर विश्वास करते हैं, व्यर्थ की अफवाहों में उलझते हैं, अपनी शांति भंग करते हैं, अपने साधर्मी की शांति भंग करते हैं। भाई थोड़ी शांति से तहकीकात तो करो। अदालत में पहले दिन याचिका दायर करते ही साथ जिसने जो याचिका दायर करी, अदालत उस पर फैसला नहीं देता। वो तो बहुत उहापोह करके, एविडेंस खोज कर बाद में न्याय करता है, जो सही होता है वो सामने रखता है। लेकिन हम कैसे कच्चे हैं, जो जहाँ जैसा सुना वैसा ही मान लिया, वैसा ही कहने लगे, वैसी बातें फैलाने लगे। भाई थोड़ा तह पर जाकर तो देखो कि वस्तु स्थिति क्या है, यथार्थता क्या है। चाहे वो CAA का मैटर हो, चाहे नागरिकता का मैटर हो, पहले आप तह में जाकर देखो तो। ये आउट इंडिया के आउटसाइड से आने वाले जो अल्पसंख्यक हैं अन्य अन्य देशों के, उनका वेलकम है, या फिर देश से किसी को निकालने की बात है। ऐसे जीवन के प्रसंग में किसी ने कोई कोई बात कही है तो वो हमारे हित की है कि अहित की, किसी हमने सिर्फ बात पकड़ ली है? ना बाबा, ये उचित नहीं है। हर कार्य विचार पूर्वक करो, बातों में नहीं आओ, अफवाहों में नहीं आओ, हर बात को तह पर जाकर सोचो, विचारो, समझो इसके पीछे रहस्य क्या है। अपना समय खराब नहीं करो भाई, जनता का कोई धर्म नहीं होता और धर्म वाले जनता में नहीं होते। वे तो अपनी सोच विचार चिंतन पूर्वक आगे बढ़ते हैं। आप भी विचारिए, यूं ही किसी की बातों में मत आइए, अपना समय खराब नहीं करिए। जो अच्छा है, जो उचित है, उसका निर्णय करके आगे बढ़िए। विचारना भाई।